नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरीन एकेडमी और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कंपलसरी इंग्लिश जनरल सेकेंड ईयर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका कि व्हाई डज अ पोर्पोस नॉट स्टे अंडर वाटर फॉर मोर देन 6 मिनट एट ए टाइम, यानी 6 मिनट तक ही अंडर रह सकते हैं, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो दूध पीने वाला एक मैमल है, अन्य मैमलों की तरह भी वो भी सांस लेता है पानी के बाहर, तो इसलिए वो पानी के अंदर 6 मिनट तक ही रह सकता है, उसके बाद उसे सांस लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बस बुक में भी इतना ही लिखा हुआ है, अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें भी इतना ही लिखा हुआ है, तो इतना ही लिखिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आर द पोर्पोस कॉल्ड द प्रैंकस्टर ऑफ द सी, पोर्पोसों को मस्करा क्यों कहा गया, समुद्र का मस्करा क्यों कहा गया है? क्योंकि कई केसों में ये देखा गया है कि पोर्पोस ने कई सारे ह्यूमन का जान बचाया। एक एग्जांपल लिख दीजिएगा कि एक वुमेन थी, वो डूब रही थी, अचानक उसने देखा कि वो उसको कोई पुश कर रहा है, और देखते देखते वो खतरे के निशान, मतलब डूब रही थी तो उस डूबने से वो बच गई, और बाद में उसने देखा कि 18 फीट उससे 18 फीट आगे एक मछली तैर रहा था। अच्छे देखने के बाद उसे पता चला कि वो तो पोर्पोस है, तो इसलिए जो ऑथर है उसने भी पोर्पोस के ऊपर ये कहा है कि पोर्पोस जो है वो प्रैंकस्टर ऑफ द सी है, बस इतना लिखने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका कि व्हाट इज द रोल ऑफ एन असिस्टेंट मदर, यानी असिस्टेंट मदर का क्या रोल है, या फिर व्हाट इज द वर्क ऑफ द असिस्टेंट मदर, असिस्टेंट मदर का वही सेम ही है, क्या काम है? व्हाट डू द मदर पोर्पोस एंड हर असिस्टेंट डू व्हेन अटैक बाई अ शार्क, यानी मदर पोर्पोस और असिस्टेंट पोर्पोस क्या करती है जब शार्क अटैक करता है तो? या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि फंक्शन बताओ असिस्टेंट मदर का, ठीक है, सबका आंसर एक ही टाइप का होगा, क्या होगा कि जब मदर प्रेगनेंसी में रहती है तो उसके साथ असिस्टेंट मदर भी रहती है, असिस्टेंट पोर्पोस मदर भी रहती है, ठीक है, जो उनका देखभाल करती है प्रेगनेंसी के समय, बच्चा डिलीवरी होने के बाद भी कई वीकों तक वो उनके साथ रहती है, उनका मदद करती है। अगर कभी भी शार्क ने या कोई दूसरे एनिमल ने, शी एनिमल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया मदर पर या बच्चे पर, तो लोग एक तरीके से सिग्नल निकालती है, उनसे दूसरे जो पोर्पोस है वो आ जाते हैं और उनका हेल्प करते हैं, ठीक है। और भी एक चीज़ है जो कि आप ऐड कर सकते हैं उसमें, इस आंसर में, वो ये है कि एक बार ऑथर ने भी एक बच्चे को डिलीवरी देते हुए देखा था, एक पोर्पोस के द्वारा बच्चे को डिलीवरी देते हुए देखा था एक टैंक में, जहाँ पर अन्य जो पोर्पोस है फीमेल पोर्पोस, उसने भी मदद किया था, तो ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए आंसर यहीं तक ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कि हाईली इंटेलिजेंस क्यों कहा गया पोर्पोस को, क्वेश्चन यही है, एक्सप्लेन करो कि साइंटिस्ट पोर्पोसों के ह्यूमन बचाने का जो थ्योरी है इसको क्या कहता है, ठीक है। सिंपल से यही है कि कई सारे केसेस में हम लोग ने देखा है कि पोर्पोस ने कई सारे ह्यूमन का जान बचाया है, सेव किया है लाइफ को, जैसे एक वुमेन है फ्लोरिडा में रहने वाली, ठीक है, उसका जान बचाया, जिसके बारे में हम लोग ने अभी पढ़ा, एक मैन था उसका भी पोर्पोस ने जान बचाया, साथ ही साथ एक जहाज का भी रास्ता, वो भटक चुका था, खतरों वाला रास्ता से जा रहा था, तो उसको भी रास्ता दिखाया, तो इस तरीके का कई सारे केसेस है, इन केसों से पता चलता है, और बुक में ऑथर ने भी कहा है कि जो इन केसों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि पोर्पोस जो है उनका दिमाग जो है हाईली डेवलप्ड है, अन्य सी एनिमल उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड है, कुछ कुछ मैराइन साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट का मानना भी यही है कि वो लोग का दिमाग जो है हाईली डेवलप्ड है, हाईली पोटेंशियल है मैन के द्वारा, मैन के समान, ठीक है, मैन के समान हाईली पोटेंशियल दिमाग है, ठीक है। वो लोग हर एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं, इसलिए पैराग्राफ में या ऑथर ने पोर्पोस को प्रैंकस्टर ऑफ द सी कहा है, और इस क्वेश्चन में ये कहा है कि साइंटिस्ट क्यों बचान क्यों कहते हैं कि सेव किया है, तो इस कारण से सेव
सेव करते हैं ह्यूमन को, क्योंकि उनका दिमाग हाईली पोटेंशियल है और डेवलप्ड है। बस इतना लिखने का है, बस खत्म। ठीक है, अगर कुछ समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको समझाने का कोशिश करूँगा। और अगर अच्छा लगे है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।